हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ओनली। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एसएससी जेई सीएचएसएल और सीजीएल एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी पूछी जाती है उसमें ह्यूमन बॉडी पार्ट, और इसमें मैं जो है सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के वो डिस्कस करूँगी। और इसके बाद आपकी जो है कहीं और से आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, आपकी जो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी है, जितने भी तरह के सिस्टम्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पे एसएससी जेई की, सीएचएसएल की और सीजीएल एग्ज़ाम की जो है जनरल अवेयरनेस कम्प्लीट करवाई जाएगी। एसएससी जेई और सीएचएसएल की सीरीज़ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ये सारे ही वीडियोज़ एसएससी सीजीएल के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सबके आंसर्स मैं ज़रूर दूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो सीजीएल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा और भी चीज़ें जो है हम सीजीएल में कवर करवाएंगे जो कि जेई और सीएचएसएल में नहीं पूछी जाती हैं, तो वो हम बाद में लाएंगे वीडियोज़। लेकिन ये फ़िलहाल जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो सीजीएल के लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कितने टाइप्स के एपिथीलियम होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके होता है स्क्वैमस एपिथीलियम, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड कंपाउंड। तो ये जो है आपके पांच तरीके के एपिथीलियम होते हैं हमारी बॉडी में। जो स्क्वैमस एपिथीलियम होता है, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं इसमें, क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि शेप अगर फ्लैटेंड सेल्स हैं तो वो कौन सा एपिथीलियम है, या स्क्वैमस एपिथीलियम की क्या शेप होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि स्क्वैमस एपिथीलियम इनमें से किस में पाया जाता है, तो ये जो है ब्लड वेसल्स की वॉल्स में पाया जाता है और लंग्स की एयर सैक्स में पाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बहुत आते हैं। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स से जितनी जल्दी याद होता है उतना पीडीएफ से याद नहीं होता है। आपको 90% तो नोट्स बनाते बनाते ही याद हो जाता है, तो इसलिए नोट्स बनाना सबसे अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप पीडीएफ से ही पढ़ना चाहते हैं तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मेक योर ओन पीडीएफ। उससे कम से कम कुछ काम करेंगे तो आपको कुछ तो दिमाग में रजिस्टर होगा। बिल्कुल स्पून फीडिंग से कभी भी याद नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो चलिए वापस चलते हैं स्क्वैमस एपिथीलियम। तो स्क्वैमस एपिथीलियम जो आपका होता है, इसके फ्लैटेंड सेल्स होते हैं विद इररेगुलर बाउंड्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। इररेगुलर बाउंड्रीज किसकी होती है, स्क्वैमस एपिथीलियम की। कहाँ पाया जाता है, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में और लंग्स के एयर सैक्स में। और किस फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन दी फंक्शन लाइक डिफ्यूजन। तो देखिए, डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली लंग्स में डिफ्यूजन होता है, ब्लड वेसल्स में डिफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे पाया जाता है ये। इस तरीके से इसको याद रख लीजिए। क्यूबॉइडल जो है वो आपका डक्ट्स में पाया जाता है, ग्लैंड्स की डक्ट्स में पाया जाता है, और जो है आपका ट्यूबुलर पार्ट्स में पाया जाता है। ट्यूबुलर पार्ट्स किसके, किडनी के। किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन, तो उसके ट्यूब्यूलर पार्ट्स में पाया जाता है, और ग्लैंड्स के डक्ट्स में पाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यूबॉइडल एपिथीलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है और उसके मेन फंक्शन क्या है, उसके मेन फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आपका आ जाता है कॉलमनर एपिथीलियम, जिसके जो सेल्स होते हैं वो टॉल और स्लेंडर होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है इसमें आपका वो बेस पे लोकेटेड होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द एपिथीलियम द न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेल। तो आपका आंसर होना चाहिए कॉलमनर एपिथीलियम। और ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन या स्टमक की जहाँ भी बात आ रही है तो वहाँ पे आपको मिलेगा कॉलमनर एपिथीलियम। और अगेन इसकी जो ये हेल्प करता है सिक्रीशन में और आपके एब्जॉर्प्शन में। उसके बाद जो आ जाता है आपका सिलिएटेड एपिथीलियम। तो देखिए, सीलिया की बात अगर हम करें तो ये मूवमेंट से रिलेटेड है, तो सिलिएटेड एपिथीलियम जो है ऑब्वियसली वहाँ पाया जाएगा जहाँ पे मूवमेंट की ज़रूरत है, तो हॉलो ऑर्गन्स में पाया जाएगा, जैसे कि ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब्स में। तो ये याद कर लीजिए, इस तरीके से याद कर लीजिए कि सिलिएटेड एपिथीलियम जो है आपका हॉलो ऑर्गन्स में पाया जाएगा, जैसे कि आपका ब्रोंकियोल्स हो गए और फेलोपियन ट्यूब्स हो गई। दे हैव सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस,
उसके बाद आपका कंपाउंड एपिथीलियम है, इट इज़ मल्टी लेयर्ड एंड इट कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन. तो स्किन के ऊपर जो पाया जाता है वो आपका कंपाउंड एपिथीलियम है. मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में पाया जाता है, फेरिंग्स में पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है और पैनक्रियाटिक डक्ट्स में पाया जाता है. अब अगेन पैनक्रियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसके डक्ट्स की कवरिंग के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसलिए कंपाउंड एपिथीलियम जो है वो पाया जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट्स में. और बाकी डक्ट्स जो बाकी ग्लैंड्स हैं आपकी, उनकी डक्ट्स में पाया जाता है क्यूबॉइडल. तो ये भी एक डिफरेंस है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पैनक्रियाटिक डक्ट्स में कंपाउंड एपिथीलियम होता है, बाकी सारी डक्ट्स में क्यूबॉइडल होता है. तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा. उसके बाद में आगे चलते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है पर्टिकुलर सेल्स की शेप्स के बारे में. तो मैं सेल से शुरू करूंगी और उसके बाद आपके सारे के सारे सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सबका सब इस वीडियो में मैं कवर करूंगी और सारे इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करूंगी. तो सेल्स जो हैं, देखिए RBC की जो शेप होती है वो होती है राउंड एंड बाई कॉनकेव, प्लीज़ याद कर लीजिए इन्हें. WBC की शेप होती है एमीबॉइड. एपिथीलियल सेल्स की लॉन्ग एंड नैरो. नर्व सेल्स की जनरली लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. ट्रैकीड की इलोंगेटेड. एंड मीजोफिल की राउंड एंड ओवल. तो ये क्लियर कट ऐसे ही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ मीजोफिल, और उसमें ऑप्शंस होते हैं तो आपको एक चूज़ करना होता है. तो इनको आप याद कर लीजिए. जो कार्टिलेज होती है, एक बोन्स होती हैं और दूसरी क्या चीज़ होती है, दूसरी होती है कार्टिलेज. तो जो कार्टिलेज होती है उसके सेल्स को क्या कहते हैं, उसके सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. जो बोन्स के सेल हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ऑस्टोसाइट्स. तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनकी डक्ट्स होती हैं. तो याद रखिएगा, जिन ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और जिनकी डक्ट्स नहीं होती हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. तो ये डिफरेंस है एक्सोक्राइन में और एंडोक्राइन में. तो एंडोक्राइन आर डक्टलेस, ये भी पूछा जाता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हमेशा हार्मोन सिक्रीट करती हैं. तो जितनी भी हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लेकिन पैनक्रियाज को छोड़ के, क्योंकि पैनक्रियाज इज़ अ मिक्स ग्लैंड. अभी उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी. और जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनमें डक्ट्स होती हैं, तो ये सिक्रीट करती हैं म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो ये सारी चीज़ें जो ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, डक्ट वाली ग्लैंड्स हैं. और हार्मोन जो सिक्रीट करती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी कि डक्ट लेस ग्लैंड है. तो ये याद रखिएगा. सेल्स ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड. ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू. उसको छोड़ के जो भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके सेल्स जो हैं दे सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. और उन्हें क्या कहते हैं, उन फाइबर्स को, उन्हें कहते हैं कोलेजन और इलास्टिन. ये विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू स्टोर फैट्स, तो एडिपोज टिश्यू, अगेन अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो ब्लड, बोन्स और कार्टिलेज जो होते हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन was discovered by British zoologist Schwann in 1839. Omnicellula, a cellula that is new cells are formed from pre-existing cells, was first explained by Rudolf Virchow in 1855. Largest isolated single cell is the egg of ostrich, is the example of largest isolated single cell. Longest cells are nerve cells. Small DNA outside genomic DNA are called plasmids. Bacterial resistance to antibiotics is mainly due to plasmids. तो ये जो आपके small DNA होते हैं, जो genomic DNA से बाहर present होते हैं, उनको plasmids कहते हैं. और उसी का reason है कि bacteria जो है वो बहुत जल्दी antibiotics से resistant हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दैट एंटीबायोटिक. तो वो किसकी वजह से कर पाते हैं, प्लाज्मिड्स की वजह से कर पाते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट राइबोसोम्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है मोस्टली ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, तो लेकिन कौन सी होती है,
तो राइबोसोम्स उनमें भी होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने राइट साइड पे ये आपका जो है पूरा सेल का स्ट्रक्चर बना रखा है, क्योंकि विजुअली देखने से ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो देखिए हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि इसमें ही जो है आपका एनर्जी सिंथेसिस होती है, इसी में आपका जो है एटीपी सिंथेसिस होता है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो ये आपकी बाहर की कवरिंग है सेल की, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रोसोम होता है, अभी मैं आगे आप बताऊंगी आपको इसका क्या काम है, सेंट्रोसोम होता है। और उसके बाद आपके माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं, ये हैं लाइजोसोम्स, अभी इनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। फिर दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फ़र्क क्या होता है? ये आपके स्मूथ हैं, ये आपके रफ़ हैं। फ़र्क क्या है कि रफ़ के ऊपर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उनको जो है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। उसके बाद आपका ये जो मिडिल पार्ट आपका आ गया, ये आ गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो सेंटर पार्ट होता है ये आपका होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच में जो पार्ट है, इसमें जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये होता है आपका क्रोमेटिन। और इसी तरह से ये आपका होता है गॉल्गी एपरेटस, जो यहाँ पे है, जिसको पैकेजिंग मटेरियल भी कहते हैं। और ये क्या हेल्प करता है? ये अगर किसी भी तरह का प्रेशर सेल पे पड़ता है तो उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्प करता है, तो इसलिए इसे पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं, ताकि सेल को नुकसान ना पहुंचे। बाकी जो हिस्सा होता है सेल का, ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका साइटोप्लाज्म है, और ये है आपका वैक्यूल। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल के होते हैं वो इस वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स, आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। मैंने पिछले वीडियो में इनके बारे में डिस्कस किया था। तो उनका थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। सबसे बाहर जो होता है आपका होता है ग्लाइकोकैलेक्स, उसके बाद आपकी आती है सेल वॉल, और फिर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए हमारी जो बॉडी है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलेक्स, फिर सेल वॉल, और उसके बाद आपका आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए ग्लाइकोकैलेक्स की भी जो है डिवीजन होती है थिन ग्लाइकोकैलेक्स लेयर एंड थिक ग्लाइकोकैलेक्स लेयर। तो जो थिन ग्लाइकोकैलेक्स लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर, और जो थिक ग्लाइकोकैलेक्स लेयर होती है उसको हम कहते हैं कैप्सूल। तो इसका भी ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया में। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इज नोन एज मीजोसोम्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन होती है इनटू द सेल इज नोन एज मीजोसोम्स। नाउ सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड। तो जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो जो है बनी होती है लिपिड से। और कैसे जो है ये अरेंज होते हैं? तो लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बायलेयर, बाय लेयर में अरेंज होते हैं। अगेन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ, ध्यान रखें। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाय लेयर विथ पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट। तो पोलर हेड बाहर की तरफ और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अंदर की तरफ होती है। तो इस तरीके से अरेंज होते हैं ये लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सर्फेस इज कॉल्ड, अभी बताया मैंने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डेंस रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड गोल्गी एपरेटस, अभी बताया मैंने। गोल्गी एपरेटस डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। और क्या काम करता है? इट फंक्शंस एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ये जो है अगर कोई भी किसी तरह का स्ट्रेस जो आता है उसको झेलता है, उसका इम्पैक्ट जो है सेल पे नहीं ढलने देता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक लाइपेस, प्रोटीएस एक्सेट्रा। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्टोर हाउस क्या है? लाइजोसोम्स हैं आपके, याद रखिएगा। प्लेस कैरिंग द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वैक्यूल, अभी बताया। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस वैक्यूल इज नोन एज स्टोनोप्लास्ट। इन अमीबा एक्सक्रीशन इज डन बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अमीबा क्या है? अमीबा आपका सेल ही है एक तरीके का, तो जाहिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वैक्यूल में है तो वहीं से एक्सक्रीशन होगी आपकी।
इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन इज डन एट माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउसेज ऑफ द सेल. यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन. या ये ध्यान रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है, वो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. सो द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन. तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, तो इसके बारे में बहुत पूछा जाता है. बोथ माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूमन बींग्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड. तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. स्टूडेंट्स, प्लांट्स में अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी, और उसके बाद होपफुली हमारा बायोलॉजी जो है पूरा कवर हो जाएगा. अगर इन केस कुछ बच भी गया तो मैं उसको एक और वीडियो में कवर कर दूंगी, बट होपफुली जो है अगले वीडियो में प्लांट्स के साथ साथ हमारा पूरा का पूरा बायोलॉजी कवर हो जाएगा. ऑलरेडी बायोलॉजी के ऊपर पहले ही बहुत वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं, अगर अभी ज्वाइन किया है, तो उन वीडियोज़ को आप लिंक से एक्सेस कर सकते हैं. वो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर लीजिए. SSC JE से रिलेटेड रीजनिंग, CHSL से रिलेटेड रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, वो सब अवेलेबल है. लिंक एक्सेस कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में से. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन. तो राइबोसोम्स आर नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन. तो ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जो ऑर्गेनलीज होती हैं वो सराउंड होती हैं बाय मेम्ब्रेन्स, राइबोसोम्स आर नॉट सराउंडेड. तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइबोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पेलेट In 1953, bacteria and archaebacteria have smaller ribosomes and they are termed as 70S ribosomes. So, ये भी question पूछा जाता है कि 70S, 80S, 50S, 40S में S क्या है? तो जो S होता है, वो stands for Swedberg's unit. तो scientist के नाम पे रखा गया है and it is the indirect measure of density and size. तो जो आपका स्विडबर्ग है, इट इज़ द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज. और जो है 70S राइबोसोम्स आपके होते हैं बैक्टीरिया में, यानी कि प्रोकैरियोट्स में, और 80S होते हैं आपके यूकैरियोट्स में. इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज क्रिस्टे. अंदर की स्पेस को मैट्रिक्स कहते हैं और इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टे. डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी एपरेटस आर नोन एज सिस्टर्ने. तो देखिए दोनों के नाम बहुत सेम है, तो याद रखिएगा गोल्गी एपरेटस में सिस्टर्ने होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे होता है. न्यूक्लिक एसिड्स लाइक DNA एंड RNA आर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली. इनके बारे में मैं अच्छे से अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स. तो ये भी पूछा जाता है पॉली क्या होते हैं प्रोटीन, तो दे आर पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका. कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. फ्यू क्रोमोजोम्स हैव नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस कॉल्ड सैटेलाइट. तो जो पार्ट जो है क्रोमोजोम्स का स्टेन नहीं हो पाता है, तो उसको जो है सैटेलाइट कहते हैं. सेंट्रोजोम्स आर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द प्रोफेज स्टेज ऑफ द सेल साइकिल. सेल साइकिल अभी मैं डिस्कस करूंगी, तो उसमें जो सेंट्रोजोम्स होते हैं वो पहले जो है ड्यूरिंग द प्रोफेज, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द सेल साइकिल, किससे एसोसिएटेड होते हैं, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं सेंट्रोजोम्स. और उसके बाद हर सेंट्रोजोम में कितने सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं. तो अगर आप इस फिगर पे ध्यान दें, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका है सेंट्रोजोम, और इसके अंदर ये जो 2 ऑरेंज हैं, ये आपके हैं सेंट्रियोल्स. और इस सेंट्रियोल से ये डिवीजन है आपकी, जब माइटोटिक या मियोसिस होता है तो उसमें जब डिवीजन होती है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे होती है. तो अभी आप समझ लीजिए कि उसमें ये रोल प्ले करते हैं. तो सेंट्रोजोम आपका ये पार्ट है, इसके अंदर सेंट्रियोल है, और इसके अंदर से जो ये फाइबर्स निकलते हैं, इनको आप कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स. और ये फाइनली जो है आपके क्रोमोजोम्स के सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं. तो और जो सेंट्रोमियर आपका होता है, उसके ऊपर एक काइनेटोकोर होता है, जिस पे जो है ये स्पिंडल फाइबर्स फाइनली अटैच होते हैं. तो ये आप ध्यान रखेंगे. तो सेंट्रोसोम का क्या रोल है, सेंट्रियोल का क्या रोल है, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, तो ये इस फिगर से आपके दिमाग में बैठ जाएगा. उसके बाद जो है, जब भी हम सेल डिवीजन की बात करते हैं,
तो वो किस प्रोसेस से होता है? सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और जो सेंट्रोसोम है जो उससे एसोसिएटेड था वो जो है क्रोमोसोम्स जो अंदर अवेलेबल होते हैं, जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल होता है उसके साथ जो है इंटरैक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं टू बिल्ड दिस माइटोटिक स्पिंडल। नाउ अपॉन डिवीजन ईच डॉटर सेल रिसीव्स वन सेंट्रोसोम। तो इस बात का ध्यान रखेंगे दो सेंट्रोसोम है, तो डिवीजन के बाद हर डॉटर को आपका एक सेंट्रोसोम जो है वो मिल जाएगा। सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज नोन एज हब। तो ध्यान रखेंगे सेंट्रोसोम है, हर सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल हैं, सेंट्रियोल का सेंटर पार्ट जो होता है उसे हब कहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो आपके सेंट्रोमियर में जो काइनेटोपोर होता है, जो काइनेटोकोर होता है उसके साथ अटैच होते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आपका सेंट्रोमियर है वो कहाँ लोकेटेड है उसके हिसाब से क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई किया जाता है। देखिए सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर वो हिस्सा है, वो पॉइंट है जहाँ पे दो क्रोमेटिड्स जो हैं क्रोमोसोम के वो आपस में जुड़ते हैं। तो अगर दो क्रोमेटिड्स जो हैं बिल्कुल एक एंड से जुड़े हुए हैं इस तरीके से तो उसे टेलोसेंट्रिक कहते हैं। अगर क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स जो हैं इस तरीके से जुड़े हैं, यानी बिल्कुल ऊपर नहीं है पर ऊपर से थोड़ा नीचे है, तो उसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। उसके बाद जो है ये आपका सैटेलाइट रीजन है, जिसको भी मैंने बताया नॉन स्टेनिंग रीजन। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक इतना नहीं पूछा जाता है, मेटासेंट्रिक होता है जिसमें बिल्कुल आपके सेंटर से जुड़े होते हैं क्रोमेटिड्स। तो सेंट्रोमियर आपका बिल्कुल सेंटर में होता है तो उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो देखिए हर सेल में जो है दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हम डिप्लॉयड हैं, 2n है, हर क्रोमोसोम की एक कॉपी मौजूद है। तो वन ऑफ द पेयर इज डिराइव फ्रॉम द मदर सेल एंड वन फ्रॉम द फादर। सो द मेटर्नल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स इन अ होमोलोगस पेयर हैव द सेम जीन्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से हुए, जिन क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम जीन्स हैं। तो सेम जीन्स का क्या मतलब है, जैसे आईज के कलर का जीन, तो जिन दो क्रोमो एक मेटर्नल से आया एक पैटर्नल से आया क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम्स पे जिसमें सेम आई का जीन है, आई कलर का जीन्स है, तो वो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जीन्स तो सेम होंगे, यानी कि आई के कलर का जीन्स होगा, लेकिन एलील्स हो सकते हैं वो। नाउ मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। अगेन याद रखिएगा, हो सके तो इन सारे साइंटिस्ट के नेम्स की एक अलग लिस्ट बना लीजिएगा आप, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नाउ सेल डिवीजन आपकी होती है, तो सबसे पहला जो पार्ट उसमें जिसमें डिवीजन कुछ नहीं हो रहा है अभी, तो वो होता है आपका इंटरफेस। तो इंटरफेस जो है वो 95% टाइम तक जो है सेल जो है वो इंटरफेस में रहता है। तो मोस्टली टाइम जो है वो इस स्टेज में रहता है इंटरफेस में। तो इस फेज में जो है दो काम होते हैं, एक तो सेल आपका ग्रो करता है और उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन होती है इसमें, तो क्रोमोसोम्स की डबलिंग होती है इसमें। तो ये आपका इंटरफेस में होता है। तो इंटरफेस भी आपकी जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका जीवन फेज, जिसका जिसे कहा गया है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच में जो पार्ट है उसे जीवन फेज कहा गया है। उसके बाद आता है आपका एस फेज। एस फेज में जो है आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच फेज ऑफ द इंटरफेस डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ योर इंटरफेस। उसके बाद आपका फाइनली आ जाता है जी टू फेज, और जी टू फेज में आपका होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन जी टू फेज ऑफ इंटरफेस। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, इनको याद रख लीजिए। उसके बाद जो है आपका एम फेज आता है, और एम फेज जो है जिसमें आपकी डिवीजन होती है, तो ये इसमें चार पार्ट होते हैं। प्रोफेज होता है, फिर उसके बाद मेटाफेज होता है, फिर आपका एनाफेज होता है, और फिर आपका टेलोफेज होता है। अभी मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो
प्रोफेस में आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं एंड कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, ये कंडीशन होती है आपकी प्रोफेस में. और मेटाफेस में जो है फाइनली आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे जो है आ जाते हैं सारे के सारे, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उन क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं एट दी पॉइंट ऑफ मेटाफेस. और उसके बाद एनाफेस में जो है आपके सेंट्रोमियर्स फाइनली स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमेटिड जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. और टेलोफेस में ये डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटिड्स जो हैं अपने अपने सेंट्रियोल्स की तरफ जो हैं पहुँच जाते हैं. अभी मैं आपको और अच्छे से इसको समझाऊँगी. तो देखिए ये काइनेटोकोर्स मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं. माइटोसिस जो है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. माइटोसिस ऑलवेज रिजल्ट इन अ डिप्लॉयड डॉटर सेल, यानी कि मदर सेल भी डिप्लॉयड था और डॉटर सेल भी डिप्लॉयड होगा. इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन टू डॉटर सेल्स और बोथ डिप्लॉयड. जबकि मियोसिस जो है इट ऑलवेज रिजल्ट इन फोर डॉटर सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल हैप्लॉयड. तो यहाँ पे टू डॉटर सेल्स दोनों डिप्लॉयड, यहाँ पे फोर डॉटर सेल्स दोनों हैप्लॉयड, चारों हैप्लॉयड. तो इस बात का ध्यान रखेंगे. अब मियोसिस जो है क्यों होता है इसमें, कि इसमें रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो है आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ रह जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं. तो ये मियोसिस जो है एक्चुअल में दो फेज होते हैं इसके, मियोसिस वन और मियोसिस टू. तो मियोसिस वन में जो है आपका क्रॉसओवर होता है. अभी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी आपको, मोटा मोटा बता देती हूँ. तो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन मियोसिस वन, और मियोसिस टू में जो है आपके फाइनली फोर हैप्लॉयड सेल्स बन जाते हैं बाय सिंपल माइटोसिस. तो मियोसिस वन और मियोसिस टू का एक प्रोसेस होता है मियोसिस में, इसी वजह से फाइनली जो है आपके पास नंबर रह जाता है हैप्लॉयड. नाउ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सिनेप्सिस. अभी मैं माइटोसिस मियोसिस पे दोबारा आऊंगी, अभी इनको टर्म्स को याद कर लीजिए. तो सिनेप्सिस क्या है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उसे सिनेप्सिस कहते हैं. क्रॉसिंग ओवर जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, तो क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है. तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो कौन से एंजाइम से जो है होता है, वो रिकॉम्बिनेस एंजाइम की हेल्प से होता है. तो रिकॉम्बिनेस इज़ एन एंजाइम, ये भी ध्यान रखिएगा. ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फॉलोइंग इज़ एन एंजाइम या इट इज़ अ हार्मोन या क्या, तो ये नाम याद रखिएगा. तो रिकॉम्बिनेस इज़ एन एंजाइम विच मीडिएट दी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम्स. द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस ओवर्स आर कॉल्ड चियाजमेटा. तो जो क्रॉसओवर के टाइप पे जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है उसको चियाजमेटा कहते हैं. तो अब देखिए माइटोसिस मियोसिस को समझ लेते हैं. तो ये आपका पेरेंट सेल है और इसमें आपकी चल रही है इंटरफेस. तो इंटरफेस में आपका क्या होता है कि एवरी क्रोमोसोम्स डबल इट्स साइज, डीएनए आपका रेप्लिकेट करता है. तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेस. तो आफ्टर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन जो ये सिस्टम हमारे पास पहुंच गया दोनों ही केसेस में, उसको जो है कहा जाता है प्रोफेस. तो प्रोफेस में आपका ये सिस्टम आ गया जहां पे हर क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स अवेलेबल हैं. तो इस केस में जब माइटोसिस होता है तो ये सिस्टम ऐसे ही रहता है, लेकिन मियोसिस में जो है ये क्रोमोसोम्स जो है ये आपस में पास आके टेट्रेड बना लेते हैं. टेट्रेड यानी अब फोर क्रोमेटिड्स हो जाते हैं एक साथ. तो दिस फॉर्मेशन बाय सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो यहाँ होती है आपकी सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कौन सी फेज में, प्रोफेस वन में. और माइटोसिस की प्रोफेस में क्या होता है, माइटोसिस की प्रोफेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, यू हैव क्रोमोसोम्स विद टू क्रोमेटिड्स. तो ये सिचुएशन है आपकी इन माइटोसिस प्रोफेस. और मियोसिस की प्रोफेस में टेट्रड फॉर्मेशन हो गई है बाय सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो ये पहला डिफरेंस है आपका मियोसिस में. फिर आपकी आती है मेटाफेस, जिसमें जो है
मेटाफेज प्लेट या इक्विटोरियल प्लेट भी कहते हैं इसको, वहाँ पे ये आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन कर लेते हैं अपने आप को और स्पिंडल फाइबर्स से अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन कर लेते हैं, टेट्रड फॉर्मेशन नहीं है तो अलग अलग क्रोमोसोम अलाइन होता है, स्पिंडल फाइबर से ये जुड़ जाते हैं। तो दिस इज़ मेटाफेस एंड दिस इज़ मेटाफेस ऑफ मियोसिस। उसके बाद जो है फाइनली ये जो है एक एक क्रोमेटिड जो है दोनों तरफ चला जाता है और आपका जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है। तो इनिशियली भी हमारे पास 2n था और फाइनली भी हमारे पास 2n आ गए, लेकिन 2 आ गए। अब क्यों ये 2 हो गए? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल डबल हो गया था, तो इस वजह से फाइनली ये 2 अलग अलग हो गए। अब इसमें जो है आपकी एनाफेस में जो है ये अलग हटने लगते हैं और टेलोफेस में फाइनली अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपका बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही हुआ आपका, लेकिन पूरे के पूरे क्योंकि ये टेट्रड थे तो 2 क्रोमेटिड एक तरफ चले गए आफ्टर क्रॉसिंग ओवर एंड 2 क्रोमेटिड इधर चले गए हैं आपके। तो सिंगल सिंगल क्रोमेटिड ना जाके डबल डबल क्रोमेटिड्स जो हैं वो चले गए हैं। इसके बाद जो है ये एक पर्टिकुलर जो सेल आपका है ये दोबारा से माइटोटिक डिवीजन करता है जिसे मियोसिस 2 कहते हैं, और दोबारा से जो है ये आपका मटीरियल जो है वो हाफ हाफ हो जाता है, तो आपके पास जो है हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आ जाते हैं बाय फर्दर डिवीजन। तो फाइनली यू गेट 4 डॉटर सेल्स एंड ऑल आर हैप्लॉयड। तो ये बस इतना ही ध्यान में रखें, इससे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम इज ATP, फुल फॉर्म इज एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, इस बात का ध्यान रखेंगे, मोस्टली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, तो राइबोजाइम्स जो एंजाइम्स हैं दे आर दी एग्जाम्पल विच आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये एक्सेप्शनल केस है इसलिए पूछा जाता है। तो राइबोजाइम्स एक्चुअली क्या है, क्या हैं? दे आर दी RNA मॉलिक्यूल्स दैट आर केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू दी एक्शन ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स। तो राइबोजाइम्स आर RNA मॉलिक्यूल्स, ये भी ध्यान रखिएगा। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इन परऑक्सीडेज एंड कैटलेज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि कोफैक्टर का ही दूसरा नाम होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये भी ध्यान रखिएगा। तो परऑक्सीडेज और कैटलेज जो एंजाइम है उनका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? उनका प्रोस्थेटिक ग्रुप है हेम ग्रुप, इंपॉर्टेंट है। परऑक्सीडेज क्या है? इट इज़ एन एंजाइम फाउंड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्लांट्स टू ह्यूमंस टू बैक्टीरिया। इसका फंक्शन क्या है? इट ब्रेक्स डाउन हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को ब्रेक डाउन करता है विच इज़ वन ऑफ द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन यूज होती है तो ये H2O2 आपका बायो प्रोडक्ट निकलता है जो कि टॉक्सिक होता है, तो इसकी ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी ब्रेकडाउन किससे होती है? इसकी ब्रेकडाउन जो होती है वो विद दी हेल्प ऑफ द एंजाइम पर ऑक्सीडेज होती है, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज़रा बोन्स के बारे में जान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट बॉडी इज 206, नंबर ऑफ बोन्स इन फेस आर 14, नंबर ऑफ बोन्स इन लिम्ब्स आर 126, नंबर ऑफ रिब्स आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स वी हैव। नाउ जब नंबर ऑफ बोन्स इन लिम्ब्स की बात आती है तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ बोन्स आर देयर पर लिम्ब। तो जनरली ऑप्शन में जो है 30 दिया होता है, तो 30 पे आपको टिक करना है पर लिम्ब की जब हम बात करें। बट वैसे आप कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स तो पर 126 हैं और 4 लिम्ब्स हैं, तो 30 अगर हुआ तो ये तो 120 ही हुआ, तो 6 और कहाँ से आई। तो एक्चुअल में जो ऊपर वाला पार्ट है आपका उसकी अगर हम लिम्ब्स की बात करें तो उसमें जो है आपके 32 बोन्स होती हैं लिम्ब वाइज, और जो नीचे का आपका स्ट्रक्चर है उसमें 31 होती हैं लिम्ब वाइज। तो 4 यहाँ से आ गई और 2 यहाँ से आ गई। लेकिन जनरली जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी बोन्स आर देयर पर लिम्ब, तो उसमें आंसर आपका जनरली 30 ही होता है ऑप्शन में, तो 30 देना है आपने, कंफ्यूज नहीं होना है। लार्जेस्ट बोन हमारी बॉडी की फेमर है, स्मॉलेस्ट बोन जो है आपकी स्टेप्स है जो कि ईयर में होती है, और नी कैप जो होता है उसे पैटेला कहते हैं।
ओनली मूवेबल बोन प्रेजेंट इन स्कल, तो आपको पता होना चाहिए कि जॉज जो है हमारे वो भी स्कल का हिस्सा है, तो ओनली मूवेबल बोन जो है वो है मैंडिबल जो कि हमारा लोअर जॉ है. अ सिंगल यू शेप्ड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी एंड इज इंक्लूडेड इन द स्कल इज हायोइड. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ईच लिंब ऑफ अ मैन, मैंने बताया ऑप्शन ज़्यादातर 30 होता है तो 30 पे टिक करना है. स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाय हायलिन कार्टिलेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टर्नम आपके बीच का हिस्सा होता है जिससे आपके रिब्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ऊपर होता है ये हिस्सा फर्स्ट रिब के पास, तो वो जो है रिब से कनेक्टेड होता है थ्रू विच कार्टिलेज, हायलिन कार्टिलेज. द सर्विकल वर्टिब्रा इन ह्यूमन इज सेम एज इन व्हेल. What will happen if a ligament is torn? Bone is less movable at joint and you will suffer pain. If human body, in human body, which of the following is anatomically correct? तो क्या anatomically correct है कि we have two pairs of floating ribs. तो कितने floating ribs हैं हमारे अंदर? दो pair यानी चार. Which cartilage is present at the end of long bones? तो hyaline cartilage, ये बहुत ही important cartilage है इसलिए इस पर questions आते हैं. तो end long bones की end पे कौन सा cartilage होता है? Hyaline cartilage. Sternum को rib से कौन सा cartilage जोड़ता है? Hyaline cartilage. तो long bones का क्या क्या function होता है? Obviously support तो होता ही होता है, इसके अलावा erythrocyte and leukocyte synthesis भी इनका function होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा. उसके बाद जो है आपका, मैंने ये स्केलेटल स्ट्रक्चर लिया है ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ आ जाए. तो ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा स्कल जो है ये क्रेनियम कहते हैं इसको. उसके बाद जो हमारा लोअर जो अभी मैंने बताया मैंडिबल, और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं मैक्सिला. उसके बाद जो ये वाला सेंटर वाला पार्ट है ये आपका हो जाता है स्टर्नम. इसका जो ऊपर वाला ये वाला जो हमारा हिस्सा है इसे कहते हैं स्कैप्यूला, और आपका जो ये वाला हिस्सा है इसे कहते हैं क्लेविकल. उसके बाद आपकी जो ऊपर वाली ये वाली बोन है इसे ह्यूमरस कहते हैं, और नीचे जो दो बोन है उन्हें रेडियस और अल्ना कहते हैं. उसके बाद ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपके रिब्स हैं. उसके बाद ये आपका हिस्सा जो है इसे पेल्विस कहते हैं, और ये जो बीच में है इनको आप कहते हैं कार्पल्स, और जो उंगलियों की हड्डियां होती हैं उन्हें कहते हैं फेलेंजिस. उसके बाद ये आपकी लॉन्गेस्ट बोन है जो फीमर है, थाई बोन भी कहते हैं इसे. फिर ये मैंने बता दिया पैटिला. उसके बाद ये जो है टार्सल्स, तो हाथों के जो ये हिस्से हैं जोड़ का उसे कार्पल्स, और पैर के जो जोड़ का है उसे टार्सल्स, और उसके बाद पैरों की उंगलियों की हड्डियों को भी दोबारा से फेलेंजिस ही कहा जाता है. और उसके बाद ये दो बोन जो आपके पैर में नीचे होती हैं उन्हें टीबिया एंड फिब्यूला कहा जाता है. तो ये मेन बोन्स हैं आपकी जिनको आपको याद रखना है. अब ये सारा मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया है, तो मैं दोबारा से नहीं पढ़ रही हूँ. एक क्वेश्चन लेकिन बता देती हूँ, लार्जेस्ट ट्राइंगुलर फ्लैट बोन कौन सी है? तो वो आपकी है स्कैप्यूला. तो लार्जेस्ट ट्राइंगुलर बोन जो है वो आपकी स्कैप्यूला, जो कि आपकी ये बोन है, ये यहाँ पे ये है. नाउ जॉइंट्स भी बहुत तरीके के होते हैं, तो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, और सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं. तो जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट ये जॉइंट्स अलाउ नहीं करते. तो ऑब्वियसली कहाँ पाए जाते हैं? स्कल बोन्स में, टू फॉर्म दी क्रेनियम. कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं वो लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? वर्टिब्रे के बीच में. और सिनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं. नाउ मिडिल ईयर में तीन बोन्स होती हैं आपकी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स. तो चाहे मिडिल ईयर कहिए या टोटल ईयर में ही आपकी तीन बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स. वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसमें आपके 26 वर्टिब्रे होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेप्स आपकी जो है स्मॉलेस्ट बोन भी है. नाउ जो वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रे होते हैं उसमें जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसे कहते हैं एटलस. और हमारे कितने रिब्स होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं हमारे अंदर.
नाउ अगर हम दांतों की पोजीशन को देखें तो वी आर थैकोडोंट एंड डायफायोडोंट. तो थैकोडोंट क्या होता है? थैकोडोंट ये होता है कि जिसमें जो बेस है आपके टूथ का वो कम्प्लीटली एनक्लोज होता है इन अ डीप सॉकेट ऑफ बोन, तो वो जो है थैकोडोंट डेंटिशन कहलाता है. और जो कि किस किस में पाया जाता है? क्रोकोडाइल्स में, डायनासोर्स में और मैमल्स में, यानी हम में भी पाया जाता है. डायफायोडोंट जो कंडीशन है वो भी हम में पाई जाती है, जिसमें जो है आपके पहले जिसको मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत हैं वो आते हैं और फिर वो टूट के जो है फाइनली परमानेंट दांत आते हैं, तो उस कंडीशन को डायफायोडोंट कहते हैं. डैगर शेप्ड बोन कौन सी है हमारे शरीर में? स्टर्नम, जो कि चेस्ट बोन है हमारी. लार्जेस्ट ग्लैंड, अब देखिए यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. जब हम लीवर की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, बट दैट डज नॉट मीन दैट लीवर इज़ नॉट एन ऑर्गन. लीवर जो है एक ऑर्गन है. तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लीवर इज़, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो देखिए लीवर इज़ ऑर्गन, ये बात आप ध्यान रखेंगे. एंड इट इज़ द ऑर्गन विच हैज़ द एबिलिटी टू रीजनरेट एंड इट इज़ दी हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन. ये सारे क्वेश्चन लीवर के बारे में पूछे जाते हैं कि विच ऑर्गन हैज़ दी एबिलिटी टू रीजनरेट, विच इज़ दी हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन. तो सबका आंसर आपका है लीवर. और इसका वेट तक पूछा जाता है, तो इसका वेट जो है अराउंड 1.2 से 1.5 kg तक होता है. लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन का, स्किन है. तो देखिए स्किन भी एक ऑर्गन है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे. स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है बॉडी का? टूथ एनेमल इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट. उसके बाद थोड़ा सा इरिथ्रोसाइट्स की बात कर लेते हैं, जो ब्लड में पाए जाते हैं, जिन्हें आप रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं. लाइफ स्पैन होता है 120 days. बोन मैरो में बनते हैं और फाइनली स्प्लीन में जाके जो है ख़त्म हो जाते हैं. तो ग्रेवयार्ड ऑफ RBC जो है स्प्लीन को कहा जाता है. ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है. तो क्योंकि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते RBC. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. RBC कैन नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया. तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. एट हाई एल्टीट्यूड नंबर ऑफ RBC इंक्रीजेस, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू CO2 एरोबिकली. तो ग्लूकोज को CO2 में मेटाबोलाइज एरोबिकली कौन सा जो है नहीं कर सकता? तो RBC आपके नहीं कर सकते क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. उसके बाद जो है कलर जो है ब्लड का रेड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेम आयरन कंपाउंड. प्लाज्मा जो होता है ब्लड का पार्ट, उसमें आपका जो है फिब्रिनोजेंस होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, एल्बुमिन्स होते हैं. तो फिब्रिनोजेंस जो होते हैं ये आपके ज़रूरत होती है इनकी ब्लड क्लॉटिंग में. उसके बाद जो है थ्रोम्बिन वो एंजाइम है जो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है. एंड फाइनली फिब्रिन जो है वो आपका हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में. तो ध्यान रखेंगे कौन सा एंजाइम है जो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन. और ये जो है फिर फाइनली फिब्रिन आपका हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में. ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द डिफेंस मैकेनिज्म. एल्ब्यूमिन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में. उसके बाद WBC आपके होते हैं जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और जो आपका ब्लड कैंसर है वो भी इन्हीं से रिलेटेड है. इनकी शेप अमीबा टाइप होती है एंड दे आर फॉर्म्ड इन अगेन इन द बोन मैरो, लिम्फ नोड्स एंड कई बार लिवर और स्प्लीन में भी बनते हैं आपके ल्यूकोसाइट्स, और इनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है. तो दिस इज़ वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम RBC. लाइफ स्पैन इनका जो होता है 1 to 2 days का रहता है, और इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है बिकॉज दे मेक द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, तो इसलिए इन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है. उसके बाद आपके ब्लड में होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है उनको, जो कि हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में. तो फिब्रिनोजेंस एंड ब्लड प्लेटलेट्स दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. उसके बाद आपके न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं जो कि फैगोसिटिक सेल्स होते हैं विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स. तो कोई भी अगर बाहर की अनवांटेड चीज़ अंदर आ गई है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं कौन कौन? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. दे आर फैगोसिटिक सेल्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. जब भी बॉडी में कोई चीज़ ट्रांसप्लांट की जाती है, जनरली अगर हम बात करें कि कोई
किसी डोनर की किडनी को जो है ट्रांसप्लांट किया है किसी की बॉडी में, तो जनरली बॉडी उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसे अपना नहीं मानती है, फॉरेन ऑब्जेक्ट मानती है. तो इस रिजेक्शन का मेन रीजन जो होता है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. उसके बाद बेसोफिल्स जो होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, दे सिक्रीट हिस्टामिन, सेटोनिन एंड हेपरिन. तो ये ध्यान रखेंगे बेसोफिल्स जो है ये तीन चीज़ें सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन, सेटोनिन एंड हेपरिन, इसको आप ध्यान रखेंगे. उसके बाद इओसिनोफिल्स होते हैं, दे रिजिस्ट इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन एंड अस्थमा. तो अस्थमा से जो जिनका रिलेशन है वो है इओसिनोफिल्स. उसके बाद आपके आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं दो तरीके के, रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर इम्यून सिस्टम एंड जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज. तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एंटीबॉडीज़ के लिए. देखिए बहुत सिमिलर काम करते हैं ये, लेकिन फिर भी इनका एक अपना अलग इंडिपेंडेंट जो है डिवीजन है. तो देखिए न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स बेसिकली आपके ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए हैं, दे आर फेगोसिटिक. बेसोफिल्स जो है सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं किस किस के, हिस्टामिन, सर्टोनिन एंड हेपरिन के. इओसिनोफिल्स जो हैं वो बेसिकली अस्थमा से रिलेटेड हैं. बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो हैं अगेन ल्यूकोसाइट्स भी हमारा इम्यून सिस्टम में काम करते हैं, बट बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम एंड जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडीशन रिलेटेड टू RH एंटीबॉडीज इज नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस. तो ये क्या होती है कंडीशन, कि जब भी RH नेगेटिव मदर होती है और सपोज RH पॉजिटिव बच्चा कंसीव करती हैं वो, तो उनकी बॉडी में जो है RH फैक्टर के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दीज बी एंड टी लिम्फोसाइट्स. तो इसकी वजह से जब सेकंड चाइल्ड होता है, तो क्योंकि सेकंड चाइल्ड RH पॉजिटिव ही होगा, तो ये एंटीबॉडीज जो है उसको उनके RBCs को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उस बच्चे के RBC को. तो इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग. तो क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल जो है कैल्शियम आयन्स प्ले करते हैं. उसके बाद एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम फटाफट से कर लेते हैं. तो देखिए माउथ से ही आपकी डाइजेशन शुरू हो जाती है, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और उसमें एंजाइम होता है जो आपकी जो है स्टार्च की डाइजेशन को शुरू कर देता है. फिर ये आपकी जो फूड पाइप है ये जाके स्टमक तक खाना पहुँचाती है, इस फूड पाइप को कहते हैं ईसोफेगस. फिर ये आपका आ जाता है स्टमक, उसके बाद ये आपका लिवर है यहाँ पे, और फिर यहीं पे एक पास में आपका होता है गॉल ब्लैडर, और यहीं आपकी होती है पैनक्रियास, ये येलो कलर की जो है. ये तीनों की जो डक्ट्स हैं जो तीनों एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ये फाइनली इकट्ठे मिलके एक डक्ट में आके जो है अपने सारे सिक्रीशन को रिलीज कर देते हैं ड्यूडेनम में. तो स्टमक से इंटेस्टाइन को जो जोड़ता है वो होता है आपका ड्यूडेनम, और उसके बाद जो है फाइनली आपके सारे सिक्रीशंस जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं. तो ड्यूडेनम इज़ दी स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन योर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन जेजुनम, द सेकेंड पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फाइनली इट गोज़ टू ईलियम, और ईलियम जो है इट कनेक्ट्स योर स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन. तो क्या सीक्वेंस हुई, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन की, फिर जेजुनम, और उसके बाद आपका आता है ईलियम, और उसके बाद आपकी आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में ही आपका एक जो स्टार्टिंग कहते हैं जैसे लार्ज इंटेस्टाइन की, वो होता है सीकम, और सीकम के अंदर ही आपका होता है अपेंडिक्स. तो इसको बाद का ध्यान रखेंगे. और फिर फाइनली आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो रेक्टम से होती हुई आपके एनस तक जाती है. तो ये आपका पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो अब इसको ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं. इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आसान होगा समझना. तो टंग जो है, अगेन टंग इज़ आल्सो एन ऑर्गन, मैं बार बार बताए जा रही हूँ, इज़ अटैच टू द ओरल कैविटी बाय फ्रेनेलम. तो इसको याद रखेंगे. कार्टिलेजिनस फ्लैप विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इन टू विंड पाइप इज़ नोन एज एपिग्लॉटिस. फूड पाइप ईसोफेगस. Saliva, a liquid secreted by the salivary glands, contains salivary amylase or it helps in the digestion of starch. 30% जो है आपकी स्टार्च की
डाइजेशन जो है वो माउथ में ही हो जाती है और इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड माल्टोस। तो ये ध्यान रखेंगे, स्टार्च जो है वो माउथ में किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइसैकेराइड माल्टोस में। सलेवरी एमाइलेज जो है कौन कितने पीएच पे काम करता है, 6.8, तो ऑब्वियसली आपके माउथ का पीएच जो है वो 6.8 होगा, नहीं तो सलेवरी एमाइलेज नहीं काम करेगा। लाइजोजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट, तो आंसर है आपका लाइजोजाइम, इट इज़ नॉट सलाइवरी एमाइलेज, तो इसका ध्यान रखेंगे। फिर आपकी जो है एलिमेंट्री कैनाल आ जाती है जिसमें जो है फोर लेयर्स होती हैं आपकी। जो एलिमेंट्री कैनाल है आपकी यानी कि टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जा सकता है जिसे, उसकी जो फोर लेयर्स होती हैं उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सिरोसा और इट इज़ मेड अप ऑफ मीजोथीलियम, और जो इनर मोस्ट होती है वो आपकी होती है म्यूकोसा। तो इन दोनों लेयर्स का ध्यान रखेंगे, टोटल फोर लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट इज सिरोसा एंड इनर मोस्ट इज म्यूकोसा। उसके बाद आपकी स्टमक, सबसे पहले हिस्सा जो आता है वो आपका आता है स्टमक का। तो स्टमक के अंदर जो है तीन से तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है आपका म्यूकस नेक सेल, एक होते हैं आपके ऑक्सेंटिक सेल्स जिन्हें पेरिएटल सेल्स भी कहा जाता है, और तीसरे आपके जो होते हैं चीफ सेल्स होते हैं जिन्हें पेप्टिक सेल्स भी कहा जाता है। तो ये तीन तरह के सेल होते हैं। तो म्यूकस सेल्स जो हैं वो ऑब्वियसली क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जो एसिड सिक्रीट होता है स्टमक में वो कौन सा होता है, HCl, और ये कौन सिक्रीट करते हैं, ये आपके ऑक्सेंटिक सेल्स सिक्रीट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो HCl सिक्रीट किया जाता है ऑक्सेंटिक सेल से जिन्हें पेरिएटल सेल्स भी कहते हैं, म्यूकस सिक्रीट किया जाता है म्यूकस नेक सेल से, और ऑक्सेंटिक सेल्स जो हैं वो सिक्रीट आपका HCl तो करते ही करते हैं, साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रीट करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है B12 विटामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर सिक्रेटेड बाय ऑक्सेंटिक सेल्स ऑफ द स्टमक। उसके बाद जो है आपका एंजाइम जो है जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं वो आपके होते हैं पेप्सिन होता है प्रेजेंट, और आपका रेनिन मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक जूस में जो है कितने एंजाइम होते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस में आपके जो है तीन एंजाइम होते हैं, आपका पेप्सिन होता है, लाइपेस होता है और रेनिन होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, तीन होते हैं, और जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशंस होती हैं ये पेप्सिनोजिन हो गया, HCl हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, म्यूकस हो गया, इन सबको स्टॉप कौन करता है, इनको स्टॉप करता है एंटेरोगैस्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इट इज़ स्टॉप्ड बाय एंटेरोगैस्ट्रॉन। उसके बाद जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया था वो था सिक्रेटिन, दैट इज़ एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड किससे प्रोड्यूस होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एस सेल्स ऑफ द ड्यूओडेनम। अब ड्यूओडेनम क्या है, जो आपका स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्वाइन करता है, तो उसके जो एस सेल्स होते हैं उनसे आपका सिक्रेटिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो है लिवर की जो सिक्रीशन होते हैं उसे बाइल जूस कहते हैं, एंड इट इज़ एल्कलीन इन नेचर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लीवर की सिक्रीशन जो है वो एल्कलीन होती है। हैपरिन जो होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को बचाता है, शरीर के अंदर जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, वो किससे प्रोड्यूस होता है, वो भी आपके लीवर से प्रोड्यूस होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद लीवर को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ग्लूकोज प्रोवाइड करती है उसे हैपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैपेटिक पोर्टल वेन। कुफर्स सेल जो हैं वो भी लिवर से एसोसिएटेड हैं, इसका भी याद रखेंगे। उसके बाद आपकी बाइल डक्ट क्या होती है, तो देखिए इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका लिवर है और यहाँ आपका जो है गॉल ब्लैडर है, और ये आपका ईसोफेगस इसके पीछे से आया, और ये आपका स्टमक है, और ये आपका जो ये वाला पार्ट है ये आपका ड्यूओडेनम है, तो और ये आपकी यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई है। तो देखिए क्या होता है कि जो गॉल ब्लैडर है ये अपने सिक्रीशंस किसके द्वारा निकालता है, सिस्टिक डक्ट के द्वारा, तो ये सिस्टिक डक्ट है, और जो लिवर है वो हेपेटिक डक्ट से अपने सिक्रीशन निकालता है। तो लिवर के सिक्रीशन यहाँ से आते हैं और
इसके यहाँ से, और ये फाइनली आके यहाँ मिल जाते हैं जिसे बाइल डक्ट कहते हैं। तो बाइल डक्ट में किस किस के सिक्रीशन होते हैं, लिवर के और गॉल ब्लैडर के। फाइनली ये आगे आके पैनक्रियाज के सिक्रीशन से भी मिल जाते हैं, और फाइनली आपका ये जो है सिक्रीशन जो है कंबाइंड सिक्रीशन ड्यूडेनम में होता है। और ये जो कंबाइंड सिक्रीशन है बाइल डक्ट का और पैनक्रियाटिक डक्ट का, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। तो देखिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है, और क्या कंट्रोल करता है, ये बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट को जो है कंट्रोल करता है स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। उसके बाद ड्यूडेनम जो बताया भी मैंने, इट इज़ अ ट्यूब जॉइनिंग स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रनर्स ग्लैंड जो है वो भी ड्यूडेनम का हिस्सा है, दे अकर इन दी सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। उसके बाद जो है पाइलोरिक पोर्शन जो होता है ड्यूडेनम का, वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपका ओपन होता है, और ईलियम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कहाँ पे, जो कि सीकम भी कहते हैं उसे, और वहीं पे आपका प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब देखिए पैनक्रियाज जो है इसमें लीवर का मैंने आपको बता दिया, गॉल ब्लैडर बता दिया, अब पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा और बात करना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, इट इज़ नोन एज अ मिक्स्ड ग्लैंड एज वेल, क्योंकि ये दोनों फंक्शन करती है, इट फंक्शंस एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एंड इट फंक्शंस एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्यों करती है, क्योंकि इट सिक्रीट्स हॉर्मोन्स, और एक्सो क्यों करती है, बिकॉज इट सिक्रीट्स एंजाइम्स एज वेल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने एंजाइम और कितने हॉर्मोन सिक्रीट करती है फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इट सिक्रीट्स 3 एंजाइम्स एंड 2 हॉर्मोन्स विच आर रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। पैनक्रियाज के पार्ट को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन किसका पार्ट है, पैनक्रियाज का पार्ट है, और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन जो है इट इज़ बेसिकली अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन जो है आपका, इट इज़ बेसिकली अ क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसमें दो तरह के सेल्स होते हैं आपके, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। पैनक्रियाज की बात हो रही है, तो अल्फा सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन जो कि हार्मोन है आपका रिलेटेड टू डाइजेशन, और बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन अगेन विच इज़ एन हार्मोन। सो ग्लूकागॉन और इंसुलिन दो हॉर्मोन्स हैं जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन सिक्रीट करते हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स इंसुलिन, और ये किसका पार्ट है, पैनक्रियाज का पार्ट है। और पैनक्रियाटिक जूस में जो आपके हैं वो होता है ट्रिप्सिनोजिन, एमाइलेस एंड लाइपेस। तो दीज थ्री आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, ट्रिप्सिनोजिन, एमाइलेस एंड लाइपेस। तो 3 एंजाइम और 2 हार्मोन सिक्रीट करती है आपकी पैनक्रियाज इन डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके बाद जो है फैट्स जो हैं वो फाइनली ब्रोक डाउन होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइपेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रिप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है आपकी ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है इसको, एंट्रोकाइनेस। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय एंट्रोकाइनेस इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेस। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन भी जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आके होती है। उसके बाद जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो टिश्यूज तक पहुंचता है ताकि उनका यूटिलाइजेशन हो सके, उनसे एनर्जी मिल सके, तो इसे प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद वो वॉल्व जो प्रिवेंट करता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में बैकफ्लो ना कर जाए, तो उस वॉल्व को कहते हैं इलियोसीकल वॉल्व, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेस्टिनल जूस जो है जो कि सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका नाम है सक्कस एंटेरिकस, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर आ जाते हैं मस्कुलर सिस्टम पे, तो फंक्शनल यूनिट जो है मस्कुलर सिस्टम की, या कहेंगे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की, वो है आपकी सार्कोमियर, अगेन बहुत पूछी जाती है फंक्शनल यूनिट। इसी तरह किडनी की आपकी होती है नेफ्रॉन, अगेन बहुत पूछी जाती है, और नर्वस सिस्टम की होती है न्यूरॉन।
तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका मायोसिन। तो अगेन याद रखेंगे दो तरह के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, एक्टिन मायोसिन। तो कॉन्ट्रेक्टाइल उनमें से कौन सा है? मायोसिन। मसल फाइबर जो आपका होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसका नाम होता है सार्कोलीमा। रेड मसल्स जो होती हैं उनमें मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से उनका कलर जो है रेड होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द रेड कलर ऑफ द मसल्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम। उसके बाद आपकी दो तरह की मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। तो देखिए वॉलेंट्री कौन सी होती हैं? जिसे आप अपनी मर्जी से हिला सकें, और इनवॉलेंट्री वो होती हैं जो पीरियोडिकली या नॉन पीरियोडिकली अपने आप ही चलती हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो वॉलेंट्री मसल्स आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं और इनवॉलेंट्री आपकी विसरल मसल्स होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं मसल फाइबर की कंस्ट्रक्शन पे। तो जो मसल फाइबर के थिन बैंड्स होते हैं या लाइट बैंड्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? उनमें पाया जाता है एक्टिन, और जो डार्क बैंड होते हैं यानी कि थिक बैंड्स होते हैं उनमें पाया जाता है मायोसिन जो कि आपका है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो थिक में पाया जाता है मायोसिन जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, और एक्टिन जिसमें पाया जाता है थिन बैंड्स में उन्हें आई बैंड भी कहते हैं, यानी आई बैंड में आपका एक्टिन है। तो ये देखिए थोड़ा ऑपोजिट है, और ए बैंड में आपका मायोसिन है, तो इसे याद रखेंगे। तो आई बैंड में एक्टिन होता है, ए बैंड में मायोसिन होता है, और जो जेड लाइन है वो आपकी बाइसेक्ट करती है आई बैंड को, यानी कौन से बैंड को? थिन बैंड को जिसमें एक्टिन है, और दो जेड लाइंस के बीच के पोर्शन को कहते हैं सार्कोमेयर। तो देखिए सार्कोमेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन से बैंड में प्रेजेंट होता है? आई बैंड में, यानी कि जिसमें एक्टिन होता है उस बैंड में सार्कोमेयर प्रेजेंट होता है। और जो डार्क बैंड्स होते हैं उनमें जो बाइसेक्ट करती है लाइन वो होती है एम लाइन, जो कि आपके ए बैंड को बाइसेक्ट करती है। तो हमारे लिए कौन सा बैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना? आई बैंड, जिसमें कि आपका है एक्टिन। नाउ हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन गिव्स मसल रेड कलर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ए बैंड जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि जिसमें मायोसिन है वो कांस्टेंट रहता है, जो एक्टिन वाला बैंड है वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो है उसकी लेंथ चेंज होती है, और जो ए बैंड है आपका वो चेंज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। द स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वॉज प्रपोज बाय ए एफ हुक्सले एंड एच ई हुक्सले। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग मसल कॉजेज द मूवमेंट ऑफ पाम डाउनवर्ड और बैकवर्ड। तो जो पाम की मूवमेंट है आपकी वो कौन सी मसल से होती है? वो होती है प्रोनेटर से। जब एक मसल जो है इट बेंड्स वन पार्ट अपॉन द अदर इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सर मसल। इंटरकोस्टल मसल्स अकर इन रिब्स। तो रिब्स में कौन सी तरह की मसल पाई जाती है? इंटरकोस्टल। फिर मस्कुलर सिस्टम की अगर हम थोड़ी डिजीजेस की बात करें तो पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल विच इज़ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज नोन एज मिस्थीनिया ग्रेविस। डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल विच इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज मसल डिस्ट्रॉफी। रैपिड स्पैज्म्स इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी की वजह से जो स्पास्म होता है मसल्स में उसको कहते हैं टेटनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, याद रखिएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इज नोन एज गाउट। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के आ जाते हैं। तो साउंड बॉक्स जो है हमारा वो होता है लैरिंग्स, जो कि हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में। जो हेल्दी ह्यूमन है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो जब नॉर्मली रेस्पायर आप कर रहे हैं तो उस टाइम पे जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर ले जाते हैं या बाहर छोड़ते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है आपका ब्लड का वो मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? इट कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। CO2 कैरीड बाय हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यूज इज डिलीवर्ड एट एल्वियोली। तो जो आपका हार्ट है उसके जो एल्वियोली पार्ट है वहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन जो है CO2 को जाके डिलीवर कर देता है फ्रॉम टिश्यूज। एम्फाइजिमा इज नोन एज द डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल्स ड्यू टू स्मोकिंग। तो ये भी याद रखिएगा।
नाउ जो आपका लंग्स हैं, इट इज़ सराउंडेड बाय विच मेम्ब्रेन? इट इज़ सराउंडेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन, बहुत पूछी जाती हैं. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डियाफ्रैगम क्या होता है? इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स, बहुत पूछा जाता है. तो जब आप अंदर की तरफ इनहेल करते हैं तो आपका जो डियाफ्रैगम होता है इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स, बहुत पूछा जाता है. रिजल्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस इज, तो अगर ह्यूमंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो उसका रिजल्ट होता है लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द कंडीशन व्हेन ब्लड कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ CO2 एंड वेरी लो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ब्रीदिंग स्टॉप्स. इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एस्फिक्सिया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डैश एंड दैट ऑफ CO2 इज डैश इन एटमोसफेयर कंपेयर टू एल्वियोलर लेयर. तो देखिए एल्वियोलर का क्या रोल है, उसको ऑक्सीजन अंदर लेनी है और CO2 बाहर छोड़नी है, और कौन से प्रोसेस से करती है? डिफ्यूजन से. तो कब पॉसिबल होगा? अगर ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर ज़्यादा हो और अंदर कम हो तब इनटेक होगा ऑक्सीजन का, यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर इज हायर आउटसाइड एज़ कम्पेयर टू एल्वियोलर लेयर, एल्वियोलर एयर. और CO2 का प्रेशर क्या होना चाहिए? बाहर कम होना चाहिए, अंदर ज़्यादा होना चाहिए, तभी अंदर से बाहर जाएगी. तो इज़ लेसर इन द एटमोसफेयर एज़ कम्पेयर टू एल्वियोलर एयर. अब आ जाते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे, यानी कि हार्ट जो रिस्पॉन्सिबल है पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए. तो इसकी जो लेयर है जिससे कवर होता है वो है पेरिकार्डियम, बहुत पूछा जाता है. राइट पार्ट जो हार्ट का होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड होता है, लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड होता है. हमेशा हार्ट से बॉडी की तरफ खून जो है वो आर्टरी के थ्रू जाएगा, याद कर लीजिए. हार्ट से बॉडी की तरफ आर्टरी से, और बॉडी से हार्ट की तरफ कहाँ से आएगा? वेन से. तो यहाँ ध्यान रखिएगा. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन. तो देखिए क्योंकि ब्लड जो है हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है, और हार्ट का क्या काम है? हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के बाकी पार्ट्स को पहुंचाता है. तो जाहिर है आर्टरी जो होगी आपकी उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, क्योंकि वो हार्ट से बाकी ऑर्गन्स तक पहुँचा रही है. लेकिन जो आर्टरी लंग्स में खून पहुँचाती है उसका क्या काम है? उसको वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है. क्यों ले जाती है? क्योंकि लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तभी तो वो उसे ऑक्सीजनेटेड करेंगी. तो इसलिए जो पल्मोनरी वर्ड है वो रिलेटेड है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट. तो जो पल्मोनरी आर्टरी है, यानी कि आर्टरी विच इज़ कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इट इज़ दी ओनली आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. इसी तरह अगर हम वेन्स की बात करें तो क्योंकि वेन्स जो हैं हमेशा बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लाएंगी, तो इसलिए इनमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा. लेकिन जो वेन लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड लाएगी, जिसे कि पल्मोनरी वेन कहते हैं, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा. तो ये भी एक एक्सेप्शन है. तो इस दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं. तो कौन सी वो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? तो पल्मोनरी आर्टरी. और कौन सी वो वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? वो है आपकी पल्मोनरी वेन. आई होप आपको समझ आ गया होगा. उसके बाद जो आपका राइट एट्रियम और वेंट्रिकल है उसके बीच में जो ओपनिंग होती है वो गार्ड करता है कौन सा वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व. और जो लेफ्ट के एट्रियम और वेंट्रिकल की एंट्री होती है वो गार्ड करता है बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं. नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय पल्मोनरी इज़ कैरिड बाय पल्मोनरी वेन्स इनटू लेफ्ट एट्रियम. तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे. तो अभी मैंने बताया पल्मोनरी वेन्स आर दी ओनली वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज सारी वेन्स जो हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. थायरॉक्सिन एंड एड्रीनलिन आर हॉर्मोन्स विच कंट्रोल दी हार्ट बीट. एड्रीनलिन इज कॉल्ड एमरजेंसी हॉर्मोन बिकॉज इट इनिशिएट्स क्विक रिएक्शंस. उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी की अभी मैंने बात की. दी आर्टरी कैरिंग ब्लड फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल टू ऑफ दी हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन
इज़ योर पल्मोनरी आर्टरी, और क्योंकि वो ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड लेके जा रही है तो उसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड से जाता है हार्ट के, और इट एंटर्स द बिगेस्ट आर्टरी जिसे aorta कहते हैं। द aorta ब्रांचेज इंटू स्मॉलर आर्टरीज विच देन ब्रांचेज इंटू इवन स्मॉलर वेसल्स, और जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है वो वापस हार्ट की तरफ जाता है थ्रू वेन्स, और वेन्स कैरी वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द सेल्स एंड ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। उसके बाद CAD क्या होता है, इट इज़ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज ऑल्सो नोन एज एथीरोस्क्लेरोसिस। एंजाइना क्या होता है, इट इज़ द एक्यूट चेस्ट पेन दैट अपीयर्स व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग द हार्ट मसल, तो उसे एंजाइना कहते हैं। नाउ हार्ट इज मायोजेनिक यानी ऑटो रेगुलेटेड, अपने आप ही चलता रहता है। हाइपरटेंशन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। अब आपका आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो अगेन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आपकी है नेफ्रॉन। रीनल कॉलम्स इन किडनी को कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलम्स ऑफ बर्टिनी आर रिलेटेड टू विच ऑर्गन, तो इट इज़ रिलेटेड टू किडनी। उसके बाद बाउमेंस कैप्सूल भी किडनी से रिलेटेड है अलॉन्ग विद ग्लोमेरुलस, इट इज़ कॉल्ड मेल्फीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेल्फीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल किस किस के मिलने से बनते हैं, वो बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के मिलने से बनते हैं। और ये क्या काम करते हैं, जो है फिल्ट्रेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है ग्लोमेरुलस से आपके। तो एपिथीलियल सेल्स ऑफ बाउमेंस कैप्सूल्स आर कॉल्ड पोडोसाइट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाउमेंस कैप्सूल के एपिथीलियल सेल्स को पोडोसाइट्स कहते हैं। कौन सी पार्ट है किडनी का जो ब्लड फिल्टर करता है, ग्लोमेरुलस जो है वो फाइनली जो है ब्लड फिल्ट्रेशन करता है। रीजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, कि कितनी रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जिसकी शॉर्ट फॉर्म GFRB है, तो कौन सा रीजन है जो रेगुलेट करता है GFR को यानी कि फिल्ट्रेशन रेट को, तो उस रीजन का नाम है JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है इस रेगुलेशन के लिए, ये सिक्रीट करता है रेनिन। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक रेनिन होता है RENIN और एक होता है RENIN। ये जो रेनिन होता है ये आपका कौन सिक्रीट करती है, ये आपकी जो है पैनक्रियाज, ये जो है आपका स्टमक सिक्रीट करता है। और ये किस काम आता है, ये मिल्क की डाइजेशन के काम आता है। और ये रेनिन है सिंगल एन जो कि आपका किडनी में होता है, और किस काम आता है, ये आपका आता है GFR को मेंटेन करने के। तो इन दोनों की नामों की स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो किससे बात, किससे रिलेशन में बात हो रही है इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो GFR को मेंटेन करता है रेनिन, और वो जो है कौन सिक्रीट करता है, वो JGA आपका जो है सिक्रीट करता है। पार्ट्स ऑफ किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसनट्रेटिंग यूरिन यानी कि जो फिल्टर होके यूरिन आया उसमें से वापस पानी को जो है खींच लेती हैं, वो कौन सा पार्ट होता है, वो आपका होता है हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज मॉनिटर्ड बाय हाइपोथैलेमस JGA एंड हार्ट, तो ये तीन जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके किडनी की फंक्शनिंग के लिए। JGA क्या हेल्प करता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट पे हेल्प करता है, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है रेनिन, उसके बाद हार्ट कंट्रोल करता है इसको, और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किडनी को। जो एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड है किडनी के द्वारा वो कौन से हार्मोन से कंट्रोल होता है, वो ADH से कंट्रोल होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या उसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और ये सिक्रीट होता है आपका हाइपोथैलेमस से। सो JGA के साथ कौन सा हार्मोन एसोसिएटेड है, रेनिन, हाइपोथैलेमस के साथ कौन सा हार्मोन रिलेटेड है, ADH या फिर वैसोप्रेसिन। नाउ हार्ट क्या रोल करता है, हार्ट जो है वो सिक्रीट करता है ANF यानी कि एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर,
और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो है आपका रेनिन और एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर GFR। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको रेगुलेट करता है ANF जो कि सिक्रीट करता है हार्ट, हार्ट की आर्टरीज। नाउ ANF एक्ट्स ऑन द किडनी टू इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन। तो ये कब एक्ट करता है, ये जब सोडियम एक्सक्रीशन कम हो रहा होता है तब एक्ट करता है, ताकि किडनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को एक्सक्रीट कर सके और इंक्रीज करता है आपके GFR को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ANF जो है वो आपका इंक्रीज करता है GFR को और इनहिबिट करता है रेनिन की सिक्रीशन को। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड को यूरेमिया कहते हैं। एंटीकोगुलेंट यूज ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस इज हेपरिन। स्टोन्स विद इन किडनी को कहते हैं रीनल कैलकुली। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट, इनमें प्रेजेंट होता है आपका द निसल्स ग्रैन्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ राइबोसोम्स। तो जो निसल ग्रैन्यूल होते हैं ये आपके न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, और ये जो है ग्रैन्यूल्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विद फ्री राइबोसोम्स। तो इसका ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं जो हार्ट बीट रेगुलेट करती हैं, तो आंसर आपका एक्स क्रेनियल नर्व्स। द जंक्शन बिटवीन वन एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर इज नोन एज अ सिनेप्स, ध्यान रखेंगे। बाउमेन्स ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम ऑफ अवर नोज। तो अब यहाँ मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि बाउमेन्स ग्लैंड और बाउमेन्स कैप्सूल में फ़र्क ध्यान रखिएगा। बाउमेन्स कैप्सूल आपका किडनी में है और बाउमेन्स ग्लैंड जो है वो आपका नोज में होती है। पार्किंसंस डिजीज इज कॉज्ड बाय डीजनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स दैट आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट कंट्रोल एंड मेक यूज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये जो है पार्किंसंस डिजीज होती है। गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवीर। तो नर्व में जो माइलिन शीट्स होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसे नोड्स ऑफ रेनवीर कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल। नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर थ्रू जंक्शंस कॉल्ड सिनेप्सिस। अब देखिए आपका जो ये न्यूरल सिस्टम है ये टोटली जो है आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और एक आपका होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इंक्लूड्स योर नर्व फाइबर्स। तो उसके बाद जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें आपके मेन आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब एफरेंट नर्व्स क्या होती हैं, एफरेंट नर्व्स वो होती हैं जो आपका इम्पल्स को ट्रांसफ़र करती हैं टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन को लाती हैं। और जो नर्व्स जो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को टिश्यूज़ की तरफ ले जाती हैं उन्हें इफरेंट नर्व्स कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो अब जो है आपका पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जो होता है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये होता है आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो कि वॉलेंट्री मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो कि आपका इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो एक न्यूरॉन की हम बार बार बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली बना होता है एक सेल बॉडी से, डेंड्राइट से एंड एक्सॉन से। अब जो न्यूरॉन होते हैं ये क्लासिफाइड होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, बायपोलर एंड यूनिपोलर। यूनिपोलर जिसमें वन एक्सॉन है सिर्फ जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही प्रेजेंट होता है बस। बायपोलर जिसमें वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट है जैसा कि हमारी रेटिना में होता है आई की। और मल्टीपोलर जिसमें एक एक्सॉन और दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। तो देखिए एक्सॉन सब में एक होता है, डेंड्राइट्स के नंबर चेंज होते रहते हैं, उसकी अकॉर्डिंग यूनिपोलर बायपोलर एंड मल्टीपोलर आपका बन जाता है। अब ये जो एक्सॉन्स की अगर हम बात करें तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका नॉन माइलिनेटेड और एक आपका होता है माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड जो होता है उसके ऊपर एनवलप होता है शॉन सेल्स का,
तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। उसके बाद स्कल के अंदर जो है ब्रेन आपका कवर्ड होता है बाय क्रेनियल मेनिंजेस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता दिया आपको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन की अगर हम बात करें तो उसकी आउटर लेयर जो है ड्यूरा मैटर, मिडल लेयर आर्कनॉइड एंड इनर लेयर जो है पाया मैटर। जब आप ब्रेन पे अगर हम बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है आपका उसमें ये दो पार्ट होते हैं, सेरिब्रल एक्वाडक्ट एंड कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके फोर ब्रेन पे आते हैं और हिंड ब्रेन पे आते हैं। तो जो फोर ब्रेन है वो भी तीन पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और जो हिंड ब्रेन है वो डिवाइडेड है आपका पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये पार्ट्स आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो जो सेरिब्रम है आपका वो है आपका सेंटर ऑफ विजडम एंड मेमोरी। तो ये क्वेश्चन यूं का यूं पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजडम एंड मेमोरी। तो सेरिब्रम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो आपके फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। उसके बाद थैलेमस इज अ सेंटर ऑफ पेन, कोल्ड एंड हीट। तो जितनी भी सेंसेशंस होती हैं आपके अंदर वो होती हैं थैलेमस की वजह से, और वो भी अगेन कहाँ प्रेजेंट है, फोर ब्रेन में। उसके बाद जो हॉर्मोनल सिक्रीशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंड सेंटर ऑफ हंगर, थर्स्ट एंड टेम्परेचर कंट्रोल, जो ये फिजिकल चीज़ें हैं इनका कंट्रोल जो है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। आपकी भूख को कंट्रोल करता है, प्यास को और टेम्परेचर को, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस। एंड एज वेल एज इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हिंड ब्रेन में आपकी मैंने बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इट कंट्रोल्स हार्ट एक्शन, तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन, स्नीजिंग एक्सेट्रा। तो हार्ट एक्शन और रेस्पिरेशन कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो कि कहाँ है आपका, हिंड ब्रेन में। इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी जो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। अब ज़रा ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं और जो हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं। तो पहले ही पैनक्रियाज की बात मैं कर चुकी हूँ कि वो कौन कौन से हार्मोन आपके जो है सिक्रीट कर रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन आपका है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे GnRH भी कहते हैं, जो कि स्टिम्युलेट करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उससे वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रिलीज करती है गोनेडोट्रोफिन्स। अब ये गोनेडोट्रोफिन्स और GnR के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी। सोमैटोस्टैटिन जो है वो इनहिबिट करता है इस रिलीज को। तो रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स कौन जो है स्टिम्युलेट करता है, वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH स्टिम्युलेट करता है, और रोकता कौन है, सोमैटोस्टैटिन। उसके बाद पिट्यूटरी जो है आपकी वो भी दो पार्ट्स में होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसमें जो मेजर आपका पार्ट है वो आपका जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का है, और उसको जो है पार्स डिस्टेलिस उसका हिस्सा है एंटीरियर पिट्यूटरी का। और ये क्या क्या सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन। तो देखिए बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है पिट्यूटरी, और उसमें से पार्स डिस्टेलिस जो है मेजरली हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि मेजर हिस्सा है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे के सारे जो हैं पार्स डिस्टेलिस जो है सिक्रीट करता है। उसके बाद पार्स इंटरमीडिया जो है वो रीजन है जो कि सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच का रीजन है आपका। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी जो है यहाँ पे होती है, ये आपका सेरिब्रम है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, और ये आपका सेरिबेलम है। तो लोएस्ट पार्ट आपका जो है ये सेरिबेलम है। तो पिट्यूटरी जो है यहाँ पे है आपकी,
और एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है पिट्यूटरी का, उसके बीच का पार्ट होता है पार्स इंटरमीडिया, और जो ये है सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, MSH यानी कि मिलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। द पार्स इंटरमीडिया इज द बाउंड्री बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी। उसके बाद पार्स नर्वोसा जो कि मेजरली आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो ध्यान रखिएगा वैसोप्रेसिन कहाँ यूज होता है आपका किडनी में। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो आपके गोनेडोट्रोफिन्स हैं, इनके बारे में मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ तो अब नहीं करूँगी। उसके बाद जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका जो है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ओवरी इन फीमेल्स। वैसोप्रेसिन आपका जो है किडनी पे एक्ट करता है, अभी समझा चुकी हूँ। पीनियल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है मेलेटोनिन, जो कि मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन सिक्रीट करती है। थायरॉयड ग्लैंड आपकी जो है वो TCT यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट करती है, जो कि ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है। थाइमस ग्लैंड जो है थाइमोसिन भी सिक्रीट करती है, विच प्लेज मेजर रोल इन इम्यूनिटी। तो क्या होता है, जो आपकी थाइमस ग्लैंड है वो एज के साथ साथ डीजनरेट हो जाती है, तो इसी वजह से जो ओल्ड पीपल होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बिकॉज थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, जो कि थाइमस ग्लैंड सिक्रीट करती है। ये सारे हॉर्मोन हैं, ये ध्यान रखिएगा। एड्रीनलिन जिसे कि एपिनेफ्रीन भी कहते हैं एंड नॉर एड्रीनलिन आर कॉल्ड एमरजेंसी हॉर्मोन्स एंड ये दे आर सिक्रीटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड। फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो आपका तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन लेयर्स में। इनर लेयर इज जोना रेटिकुलरिस, मिडिल लेयर जोना फेसिकुलेट एंड आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये भी पूछा जाता है, और जो हॉर्मोन्स एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है उन्हें कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। कौन सा हॉर्मोन है जो एंटी इंसुलिन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो कॉर्टिसोल। MSH इज सिक्रीटेड बाय मिडल लोब ऑफ द पिट्यूटरी यानी कि पार्स इंटरमीडिया। अ पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड मे नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो पैराथायरॉयड मे नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली, वाई? थायरॉयड ग्लैंड जो है वो आपका थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट करती है, वो आपका थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट करती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। इफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन देन द टारगेट ऑर्गन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, ऑब्वियस है। अब थोड़ा सा आईज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल लेयर इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्क्लेरा, बहुत पूछा जाता है। एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया, तो जो सबसे बाहर की लेयर है उस वो कौन से कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, स्क्लेरा से, और उसके एंटीरियर पोर्शन को कहते हैं कॉर्निया। फिर मिडल लेयर आ जाती है कोरोइड, उसके बाद जो प्यूपिल का डायमीटर है वो रेगुलेट होता है कौन सी मसल से, फाइबर्स ऑफ आयरिस से, और इनर लेयर को आपकी कहते हैं रेटिना। अब जो आपकी रेटिना है वो भी तीन पार्ट्स में होती है, इनर मोस्ट लेयर जो रेटिना की होती है वो बनी होती है गैंग्लियन सेल से, मिडल लेयर बनी होती है बाइपोलर सेल से, और आउटर मोस्ट बनी होती है फोटो रिसेप्टर सेल से, जो कि होते हैं आपके रॉड्स एंड कॉन्स। जो कॉन्स होते हैं आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे लाइट विजन एंड कलर विजन एज वेल। रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन। नाउ दीज रॉड्स कंटेन पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन विच कंटेन विटामिन ए, इसीलिए विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या इफेक्ट होते हैं, रॉड्स इफेक्ट होते हैं। स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज नोन एज एक्वस चैम्बर, स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर। फोटो पिगमेंट्स कंपोज ऑफ ऑप्सिन विच इज़ अ प्रोटीन एंड रेटिनल विच इज़ अ विटामिन ए एल डी हाइट। तो ध्यान रखेंगे जो फोटो पिगमेंट्स हैं हमारे वो उनकी कंपोजिशन होती है ऑप्सिन जो कि एक प्रोटीन है एंड रेटिनल जो कि एक विटामिन ए एल डी हाइट है। उसके बाद ईयर की बात करें तो ईयर ड्रम जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। फिर यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो कि मिडल ईयर को कनेक्ट करती है फेरिंग्स से।
मिडिल ईयर में तीन ऑसिकल्स होती हैं, तीन बोन्स होती हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो इनर ईयर होता है उसमें एक फ्लूइड फिल्ड ट्यूब होती है और सैक्स होते हैं जिन्हें लेब्राइंथ कहते हैं. और लेब्राइंथ जो है वो दो फंक्शन करता है, इट हेल्प्स इन हियरिंग एंड इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग. द हियरिंग फंक्शन इन्वॉल्व द कॉकलिया जो कि एक स्नेल शेप्ड ट्यूब है फिल्ड विद फ्लूइड. तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो उसका नाम है कॉकलिया. उसके बाद मिसलिनियस क्वेश्चंस अब डिस्कस कर लेते हैं हम फटाफट से, जो अभी तक कवर नहीं हुए इस वीडियो में. तो फूड डज नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यू टू एपिग्लॉटिस. अ कलेक्शन ऑफ टिश्यूज टू प्रोवाइड अ फंक्शन इज ऑर्गन. पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया. ओनली ओवीपैरस, ओवीपैरस यानी एगलिंग मैमल इज प्लेटिपस. द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज, अभी डिस्कस किया हमने, म्यूकोसा. डैश आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड, इरिथ्रोसाइट्स. ब्लास्टोफोर इज द पोर ऑफ आर्केंट्रियन एंड आर्केंटीरोन इज द रूडिमेंट्री एलिमेंट्री कैविटी ऑफ एन एम्ब्रियो. द सेल्स ऑफ विच टिश्यू आर स्पेशलाइज टू स्टोर फैट्स, अभी हमने डिस्कस किया एडिपोज. स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारे MCQs जो हैं अपनी पूरी स्लाइड में डिस्कस कर दिए हैं, तो उन्हें मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ. डैश आर कंपोज ऑफ लॉन्ग फाइब्रस प्रोटीन्स एज फिलामेंट्स दैट स्लाइड पास्ट ईच अदर वेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स. तो उसे क्या कहते हैं, सार्कोमेयर्स. सार्कोमेयर्स आर कंपोज ऑफ लॉन्ग फाइब्रस प्रोटीन्स विच स्लाइड पास्ट ईच अदर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, तो अभी बताया प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक प्रोवाइड्स द एसिडिक pH ऑफ 1.8 विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ पेप्सिन. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पेप्सिन ठीक से काम करे इसलिए HCl जो है वो सिक्रीट होता है. डैश आर द मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल WBC, तो सबसे ज़्यादा एबंडेंट सेल्स जो हैं वाइट ब्लड सेल्स में वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स. बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड डैश फाइबर्स, तो कोलेजन फाइबर्स which give bone its strength. Which of the following is not a part of human stomach, तो cecum is not the part of human stomach. A pouch connected to the junction of the small and large intestine is your cecum, जहाँ पे appendix भी होता है. Which of the following WBC is a type of agranulocytes, तो lymphocytes are the type of agranulocytes. They are characterized by the absence of granules in their cytoplasm. और दूसरा एग्जाम्पल जो एग्रेनुलोसाइट्स हैं वो है मोनोसाइट्स. तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आर एग्रेनुलोसाइट्स. विच टाइप ऑफ एपिथीलियम इज मेड ऑफ अ थिंगल सिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज, तो अभी बताया मैंने स्क्वेमस एपिथीलियम. तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. अरेंज द पार्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर, तो ड्यूडेनम जेजुनम एंड इलियम. उसके बाद रेड ब्लड सेल्स हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन. द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली सेटिस्फाइड इन टू ऑल द फॉलोइंग टाइप्स एक्सेप्ट. तो एपिथीलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, न्यूरल टिश्यू होता है, पर ग्लैंडुलर टिश्यू कुछ नहीं होता. द रेशियो ऑफ मोलार्स टू प्री मोलार्स इन एडल्ट ह्यूमन इज 3:2. विच टाइप ऑफ आरबीसी सिक्रीट हिस्टामिन सर्टोनिन हैपरिन एक्सेट्रा एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, तो अभी बताया मैंने बेसोफिल्स. द बाइल इज सिक्रीटेड इन टू विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो इट इज सिक्रीटेड इन द ड्यूडेनम बाइल डक्ट के थ्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एंजाइम, सो ट्रिप्सिन इज एक्टिव. जिनके भी आगे नोजिन नोजिन लगा होता है वो एक्टिव नहीं होते हैं, इट इज प्री एक्टिव फॉर्म. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो रेड ब्लड सेल्स आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एंड आर बाय कॉन्केव इन शेप, दिस इज ट्रू. विच वर्टिब्रे ऑर्गन रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो स्प्लीन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, बाकी लिवर गिल्स और लंग्स में दोनों तरह के ब्लड आते हैं. द मेजोरिटी ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन आर बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड टू आर लंग्स इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट्स. द थिकनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड आर्टरियोस्क्लेरोसिस. Rate of heartbeat is determined by SA node, sinoatrial node. Arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. The correct route through which pulse making impulse travels in the heart is SA node,
then it goes to AV node, then bundle of His, then Purkinje fibers, and then it goes to heart muscles. Proximal and distal convoluted tubules are part of nephrons, which is the part of kidney. Brush border is characterized of proximal convoluted tubules, that is the part of kidney. Again, RBC are kept in a solution where it got burst. So the solution taken was obviously hypotonic. क्यों burst क्यों हो गया? क्योंकि ज़्यादा water enter कर गया RBC में. कब करेगा? जब बाहर जो concentration है वो कम है, अंदर ज़्यादा है, तो naturally water flow will occur from outside to inside. Concentration of urine depends upon the length of Henle's loop, क्योंकि Henle's loop में जो है water जो है वापस absorb होती है from the urine, तो इसीलिए जितनी लंबी length होगी Henle's loop की, उतना ही urine जो है वो ज़्यादा concentrated होगा. Due to prolonged fasting, urine will have abnormal qualities of ketones. तो याद कर लीजिए, यानी कि less urea and it will have less urea. तो अगर fasting होगी तो ज़्यादा ketones होंगे urine में और less urea. Reabsorption of useful substances from glomerular filtrate occurs in proximal convoluted tubules. So इसलिए इतनी बात हो रही थी इसकी, क्योंकि क्यों important है? क्योंकि useful substances जो filter हो गए हैं kidney में waste products के साथ, उनकी reabsorption होती है proximal convoluted tubule में. Conversion of ammonia to urea is done by ornithine cycle. याद कर लीजिए. अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ जिनके आंसर्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. तो क्यों दे रही हूँ यहाँ पे? ताकि आपको पता चले कि आपको अभी तक ये याद हुए हैं या नहीं याद हुए हैं. तो ओपन वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन मैन, फिश, अर्थवर्म, प्रॉन. बताइएगा आप मुझे आंसर. इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल कैन बी सीन इन दी हार्ट ऑफ. ऑप्शन आर रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, फिशेज, मैमल्स. Which of the following has open circulatory system? Example, options are octopus, periplaneta, ferritima and hirudinaria. अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो आप इन्हें आराम से कर पाएंगे. Cartilaginous fishes do not have what? तो अगेन इनके आंसर्स अगर आप कर पा रहे हैं, यानी कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है. स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को चूज़ करना ना भूलें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी हमारे आने वाले वीडियोज़ की. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.